हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवेंथ चैप्टर वन साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से पौधे जो है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कक्षा छः में, क्लास सिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि फूड की आवश्यकता जो है सभी सजीव जीवों को पड़ती है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमें हमारे आहार के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये फूड के, आहार के, भोजन के अंश कहे जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये अंश जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें जो है न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये किन किन चीज़ों में मिलते हैं, किन ईटेबल आइटम्स में मिलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप अपने प्रीवियस क्लासेस में नीचे के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी सजीव जीव हैं उन्हें आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है फूड की। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे जो है वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जानवर और इंसान ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये अपना खाना उन पौधों से या उन जानवरों से प्राप्त करते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए इंसान और जानवर सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर रहता है अपने जीवन निर्वाह के लिए पौधों के ऊपर, पौधों पर निर्भर रहता है। Like प्लांट्स रहेंगे तो जानवर और इंसान भी रहेंगे। भुजो wants to know how plants prepare their own food। भुजो जानना चाहता है कि पौधे जो है वो कैसे अपना खाना बनाते हैं। भुजो के सवाल का जवाब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। अभी हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में न्यूट्रिशन का तरीका, मोड, माध्यम। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। पौधे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वाटर की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और मिनरल्स की सहायता से। और जो भी रॉ मटेरियल्स उसके आसपास की सराउंडिंग्स में अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करके पौधे जो है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वो हमें इस प्रकार सक्षम बनाते हैं कि हम, हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हमारे बॉडी के जो भी डैमेज पार्ट्स हैं, जो भी डैमेज टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो रिपेयर हो सकें और हमें एनर्जी प्राप्त हो सके जिससे कि हमारा लाइफ प्रोसेस, जीवन चक्र आगे बढ़ सके, चल सके। तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो कराते हैं और हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स को, डैमेज टिश्यूज को हील करते हैं, यानी उन्हें रिपेयर करते हैं। अब आगे हम जानेंगे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है एक माध्यम है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को इंटेक करता है, यानी लेता है, कंज्यूम करता है और उसकी बॉडी जो है उसको उपयोग में लाती है, यूटिलाइज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक।
न्यूट्रिशन। अब जो है यहाँ पर हम न्यूट्रिशन के उस तरीके के बारे में जानेंगे जो अपना खाना स्वयं बनाता है। लाइक एग्जांपल में देखिए, हम समझेंगे इसको, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें एक जीव अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस की सहायता से, उसे जो है हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, अपने आप, स्वयं। ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी जो ऑर्गेनिजम्स अपना लालन पोषण खुद कर लेता है उस प्रोसेस को जो है हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए पौधे जो है ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स, जानवर और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स और बाकी के और ऑर्गेनिजम्स, बाकी के और जीव, टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, वो रेडीमेड फूड लेते हैं पौधे द्वारा बनाया गया, इसलिए उन्हें जो है हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटरो मीन्स अदर। नाउ हेयर पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली यहाँ पे जानना चाहती है कि हमारे बॉडी जो है प्लांट्स के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की सहायता से खाना क्यों नहीं बना लेती है। पहली के सवालों के जवाब हम आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम जानेंगे कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी पौधों के अंदर उसकी फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ फूड स्टोर होता है, कहाँ फूड बनता है। वेदर फूड इज मेड इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या खाना पौधे के सारे हिस्से में बनता है या फिर कुछ हिस्से में बनता है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पौधे किस प्रकार रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ किस प्रकार अपने सराउंडिंग से वो लेता है, किस प्रकार पाता है उसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फैक्ट्रीज में पौधे के अंदर। अब हम लोग जानेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये तरीका है जिसके जरिए जो है पौधे जो है खाना बनाते हैं। हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, यानी खाना कहाँ रहता है, पत्तियों के अंदर। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन लीव्स, खाने का निर्माण, खाना का बनना पत्तियों के अंदर होता है। देयरफोर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, इसलिए जो भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन्हें जो है कहाँ पहुँचना है, तो पत्तियों के अंदर पहुँचना है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल, जो भी मिट्टी में पाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पत्तियों के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट रहता है वो पत्तियों के अंदर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्रों द्वारा अंदर जाता है। ये पोर्स जो है वो घिरे हुए रहते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, और इन पोर्स को जो है स्टोमेटा कहते हैं।
यानी अभी हम जान चुके हैं कि जो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट्स का, वो होती हैं लीव्स। वहीं पर जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पहुंचते हैं जड़ों के द्वारा, वाटर और मिनरल्स रूट्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमें प्राप्त होता है स्टोमेटा के जरिए। और अभी एक ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें जो है सेल्स के बारे में कुछ बताया गया है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने ये देखा है कि जो भी बड़ी बड़ी इमारतें, जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं, ईंट से बनती हैं। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो टाइनी यूनिट्स से मिलकर बनती है, जिसको सेल्स कहा जाता है। सेल्स यानी कोशिका। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो केवल एक कोशिका से बनी रहती हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन उसके बारे में अभी आपको यहाँ नहीं बताया गया है, मैंने आपको बता दिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल जो कोशिका होती है वो पतली सी आउटर बाउंड्री से कवरिंग होती है उसकी। उसकी जो बाउंड्री होता है पतली सी थिन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्ट सेल्स यानी ज़्यादातर सेल्स में एक अलग प्रकार का बीच में पाया जाने वाला स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल आकार का एक स्ट्रक्चर आकार पाया जाता है, जिसे जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस जो पाया जाता है बीच में स्फेरिकल शेप का, ये सराउंडेड होता है जेली लाइक सबस्टांस से, जेली लाइक तत्व से, साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी सेल्स के बारे में हम इतना ही जानेंगे यहाँ पे, और हम अपने आगे टॉपिक्स पे आते हैं। कि जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि पत्तियों के अंदर खाना कहाँ बनता है, तो पत्तियों के अंदर खाना जो है वो लीव्स में बनता है, और बाकी के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीव्स में पहुँचते हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट्स के माध्यम से, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो जो है उन्हें ऊपर पत्तियों में ट्रांसपोर्ट करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा वो स्टोमेटा से लेता है, स्टोमेटा के जरिए लेता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे वुजो के पास, यहाँ पर एक सवाल है। वुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाई रूट्स रिच द लीव्स। वुजो जानना चाहता है कि जो भी पानी और मिनरल्स खनिज पदार्थ एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स यानी पौधों की जड़ों द्वारा, वो पत्तियों तक पहुँचता कैसे है। इसका जवाब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब बताया जा रहा है कि वाटर और मिनरल्स ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं यानी भेजे जाते हैं पत्तियों में वेसल्स के द्वारा। वेसल्स यानी होता है आपका नस आप कह सकते हैं, या फिर आप नली कह सकते हैं, कि एक नलियों के द्वारा जो है जड़ों के माध्यम से पौधों की पत्तियों तक ये भेजा जाता है। ये पाइप पाइप जैसा होता है जो रूट से शुरू होकर स्टेम तक, ब्रांचेस तक, लीव्स तक पहुंचता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ये निरंतर चलने वाला, निरंतर एक पाथ रास्ता बनाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है पत्तियों तक पहुंच पाता है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसी क्लास के चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स यानी किस प्रकार पौधों के अंदर जो है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस प्रकार पहुँचता है, उसके बारे में आप लोग क्लास 7th के चैप्टर 11 में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम आगे जानते हैं।
Pally wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. पहली के पास यहाँ पे सवाल है कि आखिर पत्तियों में ऐसा क्या होता है कि वो खाना बनाती हैं, यानी खाने का निर्माण वहीं होता है और बाकी के हिस्सों में क्यों नहीं होता है। यानी पौधे के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसकी टहनी होती है, उसकी जड़ होती है, उसकी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो आखिर पत्तियों में ही खाना क्यों बनता है, पहली का ये सवाल है। पहली के सवाल का जवाब हमें अभी ऊपर यहाँ मिलेगा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसा इसलिए होता है, पत्तियों में खाना इसलिए बनता है क्योंकि उनमें जो है ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का वर्क क्या है, तो क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये मदद करता है पत्तियों को एनर्जी सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये एनर्जी जो है इस्तेमाल की जाती है खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, चूँकि खाना बनने की जो प्रक्रिया है वो सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी अगर सनलाइट नहीं रहेगी, बाकी के सारे मटेरियल्स भी रहेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अप करेगा, वाटर रहेगा, मिनरल्स रहेगा, क्लोरोफिल भी अवेलेबल रहेगा अगर पत्तियों में, तो खाना नहीं बनेगा जब तक कि पत्तियों के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी तो क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, वह आपका जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा और खाना बनेगा। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट, तो अब हम ये जान चुके हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सारे तत्व नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक अनोखा प्रोसेस है पूरे पृथ्वी पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी जो होती है वो कैप्चर्ड की जाती है, कैप्चर्ड की जाती है पत्तियों के द्वारा और स्टोर्ड होती है पौधे के अंदर खाने के रूप में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए सूर्य जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की गैर मौजूदगी में। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, सभी सजीव जीवों का सर्वाइवल जीवन यापन यानी उनका जीवित रहना सीधे रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्वारा बनाए गए खाने पर ही निर्भर है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल,